students, how are you all? I hope you all are fine. Here is your book, International Mathematics by Class 5. Take out page number 33. Previous lecture में हमने 31 तक working की थी. I hope कि आपने वो copy में working done कर ली होगी. आज हम करेंगे page number 33 and 34. उसके बाद हमारा chapter complete हो जाएगा. Round off the number given below to friendly number. हमें राउंड ऑफ करने हैं नंबर जिसने ये नियरेस्ट दिए हैं उतने राउंड ऑफ करने हैं. राउंड ऑफ मतलब एक प्रॉपर वैल्यू में लेकर आना है. अब जैसे कि ये 459 है, इसको नियरेस्ट करना है 100 के. अब बताइए ये किसके बराबर है, ये नंबर जो है ये किसके बराबर है? ये 400 के बराबर है या फिर 500 के बराबर है? मतलब सबसे ज़्यादा किसकी नियरेस्ट है, ये 400 की नियरेस्ट है या 500 की नियरेस्ट है? तो हम क्या लिखेंगे, ये 500 के नियरेस्ट है. उसके बाद ये देखें, इसको किसके नियरेस्ट करना है, 100 के. अब बताइए ये 909 जो है ये किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है या 1000 के नियरेस्ट है? ऑब्वियसली ये किसके नियरेस्ट है, 1000 के. क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 87999, इसको भी किसके नियरेस्ट करना है, 1000 के. तो बताइए ये किसके नियरेस्ट होगा, 87000 के या 88000 के? ऑब्वियसली ये 88000 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 88000. उसके बाद देयर इज़ अ नंबर 532212. अब ये किसके नियरेस्ट ज़्यादा, 530000 के या 520000 के? ऑब्वियसली ये किसके नियरेस्ट है, 530000 के. उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, 1666, ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 1600 के या 1700 के? इट इज़ नियरेस्ट टू 1700. एंड देन लास्ट क्वेश्चन, 6,96,555, ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 6,90,000 के या 6,97,000 के? ऑब्वियसली ये किसके नियरेस्ट है, 6,97,000. आई होप कि आपको राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. राउंड ऑफ का मतलब होता है नियरेस्ट एक अप्रॉक्स वैल्यू राइट करना, मतलब 100 की फॉर्म में एक वैल्यू उसको राइट करने को हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू. उसके बाद हमारा लास्ट पेज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद राउंड ऑफ नंबर्स टू फाइंड द एस्टिमेटेड आंसर. हमें पहले क्या करना है, इन डिजिट्स को पहले राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ करने के बाद देन इनको सॉल्व करना है. अब देखें, 14,515, ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? ऑब्वियसली किसके नियरेस्ट है, 14,500. अब नेक्स्ट है 589, ये किसके नियरेस्ट है, 600 के या 500 के? इट इज़ नियरेस्ट टू 600. देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. राउंड ऑफ करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी देखें, 4791, इसको पहले हमें राउंड ऑफ करना है. तो ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 4700 के या 4800 के? ऑब्वियसली इट इज़ नियरेस्ट टू 4800. अब देखें, 800 की किसके नियरेस्ट है, 800 के या फिर 900 के? ऑफकोर्स ये किसके नियरेस्ट है, 800 के. उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ राइट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर सी देखिए, हमारा 11,329, इसको किसके नियरेस्ट करना है, किसके नियरेस्ट है, 11,300 के या 11,200 के? इट इज़ नियरेस्ट टू 11,300. 179 के किसके नियरेस्ट है, 180 के या 170 के? मतलब किसके ज़्यादा करीब है, ऑब्वियसली इट इज़ नियरेस्ट टू 180. उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका हम आंसर राइट कर देंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, 26,943, ये किसके नियरेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, किसके नियरेस्ट है, ये 26,900 किसके नियरेस्ट था, 26,900. अब देखिए इसके, ये 322 किसके नियरेस्ट है, 300 के या 400 के? ऑब्वियसली इट इज़ नियरर टू 300. उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे.
आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे इसके बाद ई एफ जी एच, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है या अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम अपना चैप्टर जो है आज का यहीं तक एंड करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हम स्कूल ओपन होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।